अनुष्का से मिले थे तो अभी कॉलेज कहाँ था उस टाइम पे? वो मेरी क्लासमेट है। अरे गुड, वही आप वही हो जिनने विराट अनुष्का से फोटो खिंचवाई थी? मैं नहीं बताऊंगा, अनुष्का जी का ननिहाल है वहाँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि दोस्तों आज हमारा नैनीताल में दूसरा दिन था, अब हम निकलते हैं दोस्तों। कल से मतलब हमें यहाँ से 36 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए, तो मौसम भी सही है, समय से यहाँ से हम निकलते हैं दोस्तों। कल से 36 घंटे जब से हम यहाँ हैं तो कान सुन सुन के थक गए हमारे कि वोटिंग कर लो वोटिंग कर लो। अब मैं जब टी शर्ट में सोच रहा हूँ कि टी शर्ट में लिखवा लूँ कि हमने वोटिंग कर ली, कृपया हमसे दोबारा ना पूछें, बड़ा परेशान करके रख दिया यार। वोटिंग नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया। अब हम अपने साथी जो पार्टनर हैं उन लोगों से पूछते हैं कि कहाँ का सीन है। हाँ बेटी, कहाँ चलना चाहिए? भाई मेरा तो मैच है अभी मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस से? हाँ। अपनी गली के पीछे जो लौंडे रहते हैं? हाँ, उनका ना टीम का ना मुंबई इंडियंस है ना। ठीक हो गया, ये यहाँ पर इस पिच में होगा जी। ठीक है भाई, अभी हराना है उनको, चैलेंज दे रखा है। ये इतना बड़ा गैस है, इसमें इसमें होगा कितना? 5 ही गड्डी लेके आया हूँ मैं, आज लगेगा मैच। ठीक है, 5 ही गड्डिया। ये हमारे राजेश जी हैं, इन्हें भी बैट पकड़ना हमने सिखाया था और ये बॉलिंग करते हैं। इंडियन की तरफ से है, ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से है। अरे मैच तो हैदराबाद और मुंबई का, चेन्नई क्या कर रही है? मैं नैनीताल की टीम की तरफ से हूँ। अरे ठीक हो गया। इनको पिछली बार सेमीफाइनल में हम हरा चुके हैं, आज हमारा फाइनल है मुंबई इंडियंस। तुमने बेमंटी याद दिलाऊं मैं तुम्हें? अरे यार भाई ये मत लेना है, बेमंटी थोड़ी हो तो गई थी। हाँ ठीक है, आज भी बेमंटी होगी, आज मुंबई इंडियंस को हराएंगे और जीतेंगे। ठीक है, और आज अब हम मैच खेल के सीधे पहले ही चल रहे हैं हम कैंची धाम को। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर विराट और अनुष्का आए थे वहाँ पर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने उन्हें घुमाया हो, तो देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, फिर हम थोड़ा जानने को मिल जाएगा ना विराट अनुष्का के बारे में। तो हम यहाँ समय से वहाँ निकलते हैं, हम देखते हैं कि मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने उनको देखा, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके चले गए थे, किसी को पता नहीं लगा कि यहाँ भी वो आए भी थे, कि उसके बाद जो एक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोगों को पता लगा कि वो दोनों वहाँ पर आए थे। तो चलिए जानते हैं वहाँ का हाल। पहले इनकी पेट पूजा चल रही है, उसके बाद थोड़ा हम भी कर ही लेते हैं फिर। सही हो रहा, ये आड़ आड़ से इन्होंने देखा कि सैंडी भाई तो वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, तो पेल दो इन्होंने आधा पैकेट खत्म कर दिया। दोस्तों कैची धाम चलने की तैयारी कर रहे हो। जो हमारी रात से हमारी जो बाइक थी ऐसी रोड के किनारे खड़ी थी, हमने सोचा पार्किंग में क्या खड़ी करें, वैसे हम यहाँ पैसे बचा रहे, लो बजट में हम आए थे तो पार्किंग के हमारे पैसे बच गए। ठीक है, बाकी रात में हम 3 बार जग के अपनी बाइक को देखने भी आए कि वहाँ खड़ी है या नहीं खड़ी है, तो सही सलामत खड़ी थी हमारी बाइक। तो अब चलते हैं कैची धाम की तरफ को। हमारे ड्राइवर साहब कहाँ? ड्राइवर साहब आ जाओ। तो फल दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं भवाली के चौराहे पर, कैची धाम हमने जो है लेफ्ट का रास्ता चुनना है, तो हम लेफ्ट पे निकलेंगे। कैची पहुंचे हैं और यहां से हम कैची धाम दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कैची धाम, बाइक हमने जो थी हम जगह पे लगा ली है, और ये हमारा श्री कैची धाम। तो दोस्तों देखते देखते यहाँ ठंड बढ़ने लगी है, तो हमें लगता है जैकेट अब निकालनी पड़ेगी। प्रसाद लेने आ गए हैं। तो दोस्तों अभी हम आए थे प्रसाद लेने के लिए, हम भैया से पूछते हैं जो प्रसाद वाले भैया हैं कि भैया आप भी मिले थे विराट कोहली से? नहीं, विराट कोहली से मिल नहीं पाए एक्चुअली भैया, वो सुबह 5:30 के आसपास आए थे और यहाँ से 7:30 बजे निकल गए थे वो सीधे घोड़ाखाल मंदिर को। तो भैया मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आए थे रात उनका स्टे कहाँ था? भैया उनके कुछ जानने वाले हैं तो स्टे उन्होंने वहीं किया था। यहाँ कुछ लोग कहते जैसे मंदिर में ही उनका कोई रात का नाइट स्टे का प्रोग्राम कर रखा था रुकने का, जैसे मंदिर में नहीं था उनका, रामगढ़ में कोई साइड उनका जान पहचान का है कोई? जी जी, मैं सुनने में आता कि अनुष्का जी का ननिहाल है वहाँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सुना वो सही है। ठीक ठीक ठीक, मतलब आप उस दिन आते थे वैसे मुलाकात नहीं हो पाती हमारी? मुलाकात नहीं हो पाती सर, आप जो लोकल है बिल्कुल पड़ोस में होने के बाद आपकी नहीं हो पाई, फिर तो हम तो अभी 60 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। सीक्रेट प्लान होते हैं ना इनके, ऐसे सीक्रेट प्लान होते हैं। आज यहाँ थोड़ी देर बाबा पता होता तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो दोस्तों प्रसाद ले लिया है, अब धाम की तरफ को चलते हैं। इस
ग्रिल पे खड़े होकर खिंचवाई थी विराट कोहली ने फोटो यहाँ पे। और ये जो ग्रिल है ये हमारे अनु भैया बता रहे हैं कि इस ग्रिल पे विराट कोहली ने फोटो खिंचवाई थी। तो मत्ता आया था ये दोस्तों, ये वही ग्रिल है जहाँ पे विराट कोहली ने ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैची धाम की ग्रिल है। तो चलते हैं धाम की तरफ। ये भैया भी मिले थे विराट कोहली से, कह रहे हमें भी ले लो। शायद भैया आ रहे हैं, आप भी मिले थे क्या कोहली से? नहीं भैया, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो अनुष्का से मिले थे। अनुष्का से मिले थे? तो कोहली जी कहाँ थे उस टाइम पे? वो मेरी क्लासमेट है। अरे गुड। तो यहाँ पे शू वगैरह हम उतार लेते हैं, पार्टी चल रही है। देखिए दोस्तों, अभी हमने जूते उतारे थे, हमें दूसरी लाइन पढ़ेंगे। आप क्या लिखा है? परिसर में मोबाइल का प्रयोग ना करें। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई हमारे साथ। और यहाँ से प्रवेश द्वार शुरू होता है मंदिर का। तो अभी अभी हम दर्शन करके आ रहे थे अंदर के, और जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं दर्शन करके डेढ़ दो घंटे का ध्यान लगा के मैं और मेरे साथ बाकी साथी आ गए। बाहर आते ही मुझे ठंडा थोड़ा सा महसूस हुआ, तो दोस्तों मैंने कैप और अपना मफलर निकाल लिया है। तो चलते हैं आगे की ओर, प्रस्थान करते हैं। अनु भाई का पोज, अरे हाथ तो जोड़ लो ठीक से। अरे भट जी की फोटोग्राफी। चलो अब बताओ। तो दोस्तों अब जो है कि हमने दर्शन वर्शन सब कर लिए थे, मतलब पैकअप होना, अब जाने की हमारी तैयारी हो गई थी। तो हम भट जी से पूछना चाह रहा था कि भट जी क्या बोलते हैं, अभी जो मफलर वाला आपने लड़का देखा, वो कहीं देखा वो से नहीं लग रहा था? भाई देखा वो लग रहा था, मुझे वो लग रहा है कहीं वो वही ना हो जो विराट अनुष्का को जिन्होंने घुमाया था, जिसके रंग फोटो क्लिक करी है, वही हो सकता। तो हाँ, वो एक दो जो फोटो वीडियो वायरल हुए साथ वही हो, वही हो। तो एक बार ढूंढ तो लगा, क्या था, मिले ना मिले वो? हमें मिलेगा वो। तो दोस्तों अब उनके साथ जा रहे हैं जिन्होंने जो अनुष्का और विराट कोहली जो आए थे अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे, वो कैंची धाम भी आए थे। वही आप वही हो जिनने विराट अनुष्का से फोटो खिंचवाई थी? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बता दो भैया यार, प्राइवेट रखने के लिए बोला गया है मेरे को। ये बिग बिग कैट विराट कोहली जी के लिए, फिर भी नहीं बताऊंगा। अरे 100-500 रुपए ले लो भाई साहब। नहीं मैं नहीं लूंगा, नहीं मैं नहीं लूंगा, ले लो ले लो। हाथ भी नहीं लाऊंगा इस पैसों को तो मैं। तो भाई साहब ये बताओ, आपने आपके विराट अनुष्का ने फोटो खिंचाई, आपको कैसा लगा? मतलब क्या कह रहे थे वो, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना। यार कुछ तो बता दो, इतना पैसा दिया है, कुछ तो बता दो। खाली है ये, खाली है। चलो अभी मैं फिर भर दूंगा भाई साहब, थोड़ा बताओ तो, क्योंकि यहाँ इंडिया के नहीं विदेश के भी दर्शक जानना चाहते हैं कि वो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहा उन्होंने, कैसे, कितने सिंपल लोग हैं, कुछ बताओ तो हमें, थोड़ा तो बताइए। आप सारा दिन उनके साथ रहे मंदिर से निकलने तक, एक दिन पहले भी आपको देखा गया, मुझे लग रहा है आप रामगढ़ वो गए थे जो जहाँ नाइट स्टे हुआ, शायद वहाँ भी आप साथ थे उनके। मैं सुनने में ये आया कि अनुष्का इतना साथ नहीं जितना तुम उनके साथ घूम रहे थे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये नहीं है भट जी, आ रहा हो। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमें वो मिले हैं, वो बताने को बिल्कुल राजी नहीं है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैंने आपको एक फोटो शेयर किया होगा, आप थंबनेल में देखेंगे मेरी वीडियो के। तो ये उनसे मिलते होंगे, अब जो भी है इनके साथ थोड़ा फोटो सेशन हम कर लेते हैं। तो आखिरकार हमें पता ही लग गया कि जैसा कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही अभी हमने देखा कि हर मफलर वाला आदमी ना केजरीवाल होता, ना वह होता है कि जो जिसने अनुष्का जी और उनको विराट जी को घुमाया था, तो मतलब इन्होंने हमारा पोपट बना दिया। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहाँ एंड करना चाहूँगा। तो दोस्तों बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें।